हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शिम्पी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले जब भी आप शिम्पी लेके आओगे, ये इस तरीके से मुझे मिला है, मतलब बाहर से देखो इस तरीके से ये जाली में पैक था। तो अब हम इसको कट करेंगे। शिम्पी जब भी आप लेके आते हो तो आप देखोगे कि इसमें काफ़ी मिट्टी रहती है। भले ही शॉप वाले वॉश करके देते हैं, पर आपको घर पर भी इसे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से ज़्यादा पानी में वॉश करना है सबसे पहले। साथ ही साथ मैं यहाँ पे फिश भी मेरे घर पे आई थी, तो मैं वो भी दिखा रही हूँ कि मैं इसमें भी फटाफट से जो मसाला है वो आपको बताऊँगी। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो मेरे फ़िश फ्राई का, उनके लिए मैं छोटा सा फटाफट से शॉर्ट में फ़िश फ्राई भी बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं शिम्पी की। शिम्पी जब भी आप लाओगे तो सबसे पहले आप उसको 2 से 3 बार वॉश करो। उसके बाद हमें थोड़े से पानी में उसे 2 से 1 मिनट नमक डाल के बॉईल करना है। जैसे ही आप इसे 2 से 1 मिनट बॉईल करोगे, 2 से 3 मिनट में ही इस शिम्पी जो होती है वो खुलने लगेगी, और बस उसी टाइम पर हमें इसको बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बस। यहाँ पे फ़िश फ्राई के लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा मैं डालती हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कोई भी फ़िश फ्राई या गर्म मसाला जो भी रहता है वो डाल देती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें यही मसाला चाहिए। उसके बाद मैं उसमें डालती हूँ थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा कोकम, और उसके बाद मैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी बनाती हूँ। जी हाँ, जैसे कि कभी कभी धनिया, लहसुन, मिर्ची, अदरक की बनाती हूँ, कभी कभी उसी में थोड़ा सा नारियल डाल के बनाती हूँ। जो मुझे मेरी भाभी ने बताया था वो कोकण साइड से हैं, तो काफ़ी उनकी जो रेसिपीज़ होती है ना फिश फ्राई वगैरह, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने भी एक बार ट्राई किया था, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बनी थी। तब से मैं भी घर में उसी तरीके से फ्राई करती हूँ। और फ़िश फ्राई पर्सनली मैं हर दिन हर तरह का अलग अलग फ्राई करके खाना पसंद करती हूँ, तो वो मेरे घर में भी बहुत पसंद किया जाता है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सारे मसालों को अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसे ना रख दीजिए, चाहे आपको जितना टाइम हो। तो आप इसको जितना टाइम इसको मैरिनेशन होने देंगे, उतना ही अच्छा फिश में हमारा जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लेवर आते हैं। बस अब यहाँ पर क्या करना है, तेल गरम कर लेना है। उसमें हम डालेंगे ढेर सारे लहसुन, आप देख सकते हो कि लहसुन की क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े प्याज, और इसमें एक झंझट नहीं है कि आपको बारीक प्याज कट करना है या कुछ नहीं, रफली चॉप करिए और डाल दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है आगे। तो बस फटाफट से प्याज को हम भून लेंगे, सारी चीज़ों का कलर चेंज होने तक हमें बस इसे भूनना है अच्छी तरीके से। लाल प्याज जो है हमारा वो दिखने लगेगा, तो हमारी जो ग्रेवी है उसका कलर और स्वाद अपने आप ही बहुत अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी, और उससे मैं एक साइड पकने दूंगी। जब तक हमारा मसाला जो है वो भून रहा है, जो पेस्ट हमारा रेडी होने वाला है उसे हम भूनने देते हैं। दूसरी तरफ ये शिम्पे जो है वो ठंडी हो गई हैं, तो मैं इसको इस तरीके से अलग कर लूँगी। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ अंदर के जो गुदे हैं सिर्फ उसका भी ग्रेवी बना सकते हो, पर एक साइड का अगर रखोगे तो निकाल के खाने में ग्रेवी में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से ज़रूर रखिए, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है। तो ज़रूर से एक साइड का ज़रूर रहने दीजिए, उस पर वो चिपका होता है, आप ग्रेवी में भी पकाओगे तो भी वो निकलता नहीं है। तो बस यहाँ पर एक साइड का जो है उसको मैं तोड़ लूँगी, और आप देख सकते हो वीडियो में क्लियरली दिखाया है कि किस तरीके से मैं इसे तोड़ के अलग कर रही हूँ। यहाँ पे वो मसाले हैं जो मैंने ठंडे करके रख लिए थे। तो बस अब दूसरी तरफ से फिर से तेल गरम करेंगे। जो बचा हुआ तेल था मैंने तो वही इस्तेमाल किया है, अगर आपने कम तेल का इस्तेमाल किया हो तो प्लीज़ यहाँ पे तेल वापस से ऐड कर दीजिए। बहुत थोड़े तेल मसालों में बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते ज़रूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर और खुशबू दोनों भी बहुत अच्छी आती है। तो बस लहसुन का कलर चेंज होने देंगे, चेंज होने के बाद ही हमने जो पेस्ट रेडी कर रखा है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा पानी हमें ज़रूर ऐड कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पेस्ट है वो जले नहीं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ, और थोड़ा सा मैं बिल्कुल चुटकी भर मैं यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें
तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, यानी कि मटन मसाला जो घर में होता है वो ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा आप चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो, मैंने नहीं ऐड किया है, आप चाहो तो कर सकते हो। थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करिए, मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून का इस्तेमाल किया है। और हींग डालेंगे, हींग से हमारा जो डाइजेशन वो भी काफ़ी बेहतरीन होता है, और स्वाद और तड़के का हींग तो कमाल अपने में ही बादशाह है ही। तो बस यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा एक आलू, और आलू इसमें ग्रेवी में काफ़ी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, काफ़ी लोग को नहीं पसंद आता है, तो अपनी चॉइस के ऊपर है, अगर आप डालना चाहो तो डालिए, इससे थोड़ा ग्रेवी जो है वो स्वीट हो जाता है, तो मैं कहूँगी कि अगर आपको स्वीट नहीं पसंद तो मत ही डालिएगा, और अगर पसंद है तो ज़रूर से ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और आपको जितनी ग्रेवी थिक चाहिए पतली चाहिए उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ज़्यादा कम पानी करके। तो बस यहाँ पे मैं भी वही चेक कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी शिमले को। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, आप चाहो तो जब हमने मसाले प्याज को भुने थे तब आप उसमें नारियल भी डाल सकते हो, जो हमारा गीला सूखा नारियल आता है, जो गीला वाला उसको आप डाल सकते हो, कच्चा वाला नारियल, सूखा वाला नहीं डालना है यहाँ पे, तो वो भी आप डालोगे तो भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। तो बस यहाँ पे मैं जो शिमले थे उसे डाल दूँगी। और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इसमें ना थोड़ा सा क्रैब भी है, जो फ्लेवर के लिए मेरे हस्बैंड लेके आए थे, जो इसमें दो चार टुकड़े कुछ क्रैब के भी हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो अगर आपको भी मिले तो आप भी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, क्रैब तो अच्छा लगता ही है। तो बस यहाँ पे अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसको अच्छी तरीके से पकने देना है। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, रेसिपी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे नई वीडियो जो हमारी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस यहाँ पे देखिए फ़िश फ्राई भी आपको दिखा देती हूँ। फ़िश फ्राई को मैं ना थोड़ा सा रवा लानती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा के बस उसको फ्राई कर देती हूँ, और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा मैं चावल का आटा भी इस्तेमाल करती हूँ। तो जब भी जैसा मन होता है उस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मिलूँगी आपको नई वीडियो में, उम्मीद करती हूँ मेरी दोनों ही रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी, फिर मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, रेसिपी पसंद आ रही हो तो बनाइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा, ज़रूर से शेयर करिएगा, फिर मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।